मथुरा के फरहे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शाहपुर में दूल्हा अपनी दुल्हन को बैलगाड़ी से लेकर गांव आया। वह बैलगाड़ी में इसलिए गांव आया कि गांव का रास्ता साफ नहीं था, वहां अधिक कीचड़ था। गांव वालों ने बताया कि यह सब गांव प्रधान के कारण हुआ है। ग्राम प्रधान ने नाले का निर्माण तो कराया, लेकिन आधे अधूरे कार्य की वजह से बारिश होने पर गड़ाया लत्तीपुर, नगला, छत्ती नगला, जोहरी, झड्डीपुर आदि कई गांवों के लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इस बारे में जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग की कमी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। भले ही प्रदेश सरकार कितनी भी जतन कर रही है, साफ सफाई को लेकर नारा भी लगाया जा रहा है, स्वच्छ भारत, ग्रीन भारत तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रास्ते की हालत क्या है। इस तरह से लोग यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब सवाल यह उठता है कि आखिर समस्या का कब तक समाधान हो पाएगा। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। गाँव का नाम सापुर। इस गाँव में जैसे की अभी हमने आकर के देखा, ये ऐसा माहौल हो रहा है, यहाँ पर निकलने के लिए रास्ता नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतनी दिक्कत हो रही है कि दुल्हन को यहाँ से बैलगाड़ी से लिया जा रहा है। सर ये बताइए, रास्ता कितने दिनों से खराब है? करीबन दो माह हो गए। सर ये पहले से रास्ता खराब था या अब आके हुआ है? सर ऐसा रास्ता खराब होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये नाली है। सर नाली ग्राम प्रधान लाखन सिंह ने खुदवाई है, ये पक्की नहीं हुई है, इसकी वजह से हो रहा है। ग्राम प्रधान की कमी से हुआ है सर? तो सर ग्राम प्रधान से आपने इस बात की शिकायत नहीं की है कभी? ये कह देते हैं बनवाएंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य हो नहीं पा रहा है। चलिए ठीक, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम मनीष है। गांव का नाम? गांव सापुर है। सर आपकी शादी कहाँ, बारात कहाँ से गई थी, कहाँ के लिए गई थी? बारात सापुर से मेरे लिए गई थी। तो सर जैसे कि आप, ये बहुत ही अजीब बात है, जैसे कि आज की डेट में आप जो दुल्हन इस तरीके से बुग्गी में लेकर के आ रहे हैं, सर इसका कारण क्या है? आप इस तरीके से बुग्गी में क्यों लेकर के आ रहे हैं? इसका मेन कारण है कि जो सापुर के सापुर रोड पर जो गड़ाए मार्ग है जी, उस पर इतना धंधल मचा हुआ है जी, वहाँ से बाइक निकलना, पैदल चलना इतना मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा जी, इसलिए इस बैलगाड़ी से खेतों की मतलब जो, यानी कि आपके गांव में कीचड़ इतना है कि वहां पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप बैलगाड़ी से दुल्हन को लेकर के जा रहे हैं? जी सर। चलो बहुत अच्छा। सर मैं लाखन सिंह प्रधान सापुर खड़े। जैसे सर आपके गांव में आज एक समस्या आई है और समस्या सर कीचड़ को लेकर के है, और इतनी बड़ी समस्या है कि आज वहाँ से दुल्हन को भी बैलगाड़ी से ले जाया गया, सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि जो कीचड़ की समस्या आई है उसी जगह पर जी, पहले घोंटू घोंटू पानी भर जाता था, ये पीडब्ल्यूडी की रास्ता है जी, तो पीडब्ल्यूडी वालों ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया आज तक जी, तो उस जगह पर घोंटू घोंटू पानी भर जाता था, तो मोटरसाइकिलें हैं या कोई भी वैसे पैदल लोग चलने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे ही ये पानी थोड़ा सा सूखा तो मैंने मिट्टी ट्रैक्टरों से डलवा करके उसको मैंने समतलीकरण करा दिया। अब वो मिट्टी थोड़ी सी भूरी न होकर के चिकनी मिट्टी निकल आई, चिकनी मिट्टी की वजह से उसमें जो भी बारिश आ जाती है तो उसमें फिसलन हो रही है इस समय। तो सर इस बारे में आपने पहले कभी शिकायत की है पीडब्ल्यूडी वालों से या कहीं भी? हाँ, इसके बारे में मेरी पीडब्ल्यूडी वालों से बात भी हुई, पीडब्ल्यूडी के जेई साहब उनसे भी बात हुई, तो उनसे बात हुई तो पहले ये 400 मीटर में उन्होंने कहा कि स्वीकृत हो गया है, RCC 400 मीटर स्वीकृत हो गया है स्कूल तक, फिर पता लगा कि कैंसिल हो गया। फिर मेरी दोबारा उनसे बात हुई जेई साहब से कि मेरे सर मेरे को कहीं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ या कहीं और भी मेरे को कहीं कोई शिकायत करने की आवश्यकता हो तो आप बताएं सर, तो उन्होंने कहा था कि इसका एस्टीमेट बनके प्रधान जी लखनऊ पहुंच चुका है, लखनऊ से जैसे एस्टीमेट आएगा तो इसका तुरंत निर्माण करा दिया जाएगा, ये RCC में स्वीकृत हो गई है। यानी कि आपका मतलब ये जो समस्या आ रही है वो पीडब्ल्यूडी वालों की वजह से आ रही है? जी सर, जी सर, ये पीडब्ल्यूडी की समस्या है, गाँव की इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं है। गाँव का जो पानी भर जाता था उसके लिए मैंने नाली निकलवा दी है, उस नाली को बस मेरे को पक्का कराना है, कच्ची नाली निकलवा दी है जिससे पानी सड़क पर न रुके। तो ये सर यही मेन कारण यही निकल कर रहा है नाली की वजह से? नाली का सर आप ही अंडर आता नहीं, नाली की वजह से नहीं आ रहा, आप जाकर के देखिए नाली से उसका कोई लेना नहीं, नाली वाली जो साइड है वो बिल्कुल सूखी साइड है, उसी पे हो गया आदमी निकल रहे हैं, जो ये समस्या आ रही है वो बीच उसमें रोड पे आ रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।